पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं रहता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में हैं, वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हों, और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर।